आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी पुरुष महिलाओं पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार तो महिलाओं की सुनी तक नहीं जाती, लेकिन प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसा खेल खेला जाता है जहां महिलाओं का पूरा वर्चस्व रहता है। यहां महिलाएं जमकर पुरुषों की पिटाई करती हैं, और ऐसा क्यों होता है ये देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों पर डंडे बरसाए जाने का ये नजारा किसी लड़ाई झगड़े का नहीं है। ये नजारा प्रतापगढ़ में गेहूं की फसल पक जाने के बाद हर साल देखने को मिलता है। यहाँ महिलाएं मर्दों की जमकर पिटाई करती हैं, जिसमें कई मर्द घायल तक हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं वाकई में बेरहम हो जाती हैं और साल भर का बदला एक दिन में पूरा कर लेती हैं। मणि में देवर पट्टे हुए, कोई बड़ो जेठ देवर ब्याही ब्याह हुए, वे आपने अच्छी तरह थी बनने दुलई करेगा, बड़ी धूरो में खूब रगड़ेगा आपने। ये लठमार औरतें हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों से ये मर्दों की जमकर पिटाई करती हैं। चाहे देवर हो, जेठ हो, पति हो या फिर पड़ोसी, ये महिलाएं किसी को नहीं बख्शती हैं। दरअसल गर्मी की आहट के साथ ही यहाँ एक खेल खेला जाता है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग नेचा कहते हैं। इस खेल में बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। बहुत लगी, हमें बहुत अच्छा लगा और मारने से भी कुछ दर्द नहीं हो रहा, हमारा त्यौहार है और मजा आता है हमको। नेजा का दिन महिलाओं के लिए महिला दिवस या आजादी के दिन से कम नहीं होता। यहाँ महिलाओं को पूरी छूट होती है और कोई भी उन्हें भला बुरा नहीं कहता। नेजा के दौरान गांव का मुखिया ढिंढोरा पीटता है और गांव में सबको नेजा खेलने का निमंत्रण दिया जाता है। महिलाओं में हाथों में लचीली लेकिन मजबूत टहनियां लहराते हुए पुरुषों को बोरा उठाकर मैदान के दूसरे पार ले जाने की खुली चुनौती देती हैं। पुरुष बोरा उठाने की कोशिश करते हैं और महिलाएं टहनियों से उनकी पूरी खबर लेती हैं। हमारे चस्की आते हैं, नायक साहब नेजा खेला जाते हैं और हमको औरत बहुत पीटती है, मार कूट बहुत दबे से मारती है, हाथ पाँव कुछ नहीं देखती, कमर कहीं भी पड़ती है और पाँव में मिलते हैं, कमर में भी मिलते हैं। बारह महीने में एक त्यौहार होता है, ये सबसे बड़ा है और इसके यहाँ से ठाट से जाते हैं पब्लिक और वहाँ जाकर खेलते हैं। और तो सब आदमी को मारते, उसका पति को मारते, उसको जेठ को मारते, उसका लड़का उसको ही पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि इस खेल से गांव को किसी प्राकृतिक आपदा या अकाल का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के पुरुष प्रधान समाज में गांव के लोग इस खेल के जरिए यही संदेश देते हैं कि महिलाओं को पीटोगे तो एक दिन तुम्हारी भी मरम्मत होगी। प्रवेश परदेसी, जी मीडिया, प्रतापगढ़। राजस्थान दिवस को इस बार प्रदेश सरकार धूमधाम से मना रही है। जयपुर के पोलो ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों ने देशभक्ति के गीतों पर परफॉर्मेंस दी और सीमा के प्रहरी हैं फिदा इस पर हो जाएंगे गाने की प्रस्तुति भी दी।